हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मैं हूं प्रीतम जैन, आप देख रहे हो प्रीतम क्लब यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप सभी से कि मोटो वन फ्यूजन प्लस ये जो फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है इसके बारे में। इसका जो अनबॉक्सिंग है, अगर आप इस फोन को अनबॉक्सिंग करोगे तो आपको जो है पहले ही तो फोन मिल जाएगा, नंबर वन। नंबर टू में आपको कुछ गाइड्स मिलेगा, ओके। तो उसके बाद जो है आपको सिम इजेक्टर टूल एंड उसके साथ साथ आपको जो है टर्बो चार्जर मिल जाएगा जो 15 वाट का होगा, एंड ऑल्सो उसके साथ साथ आपको जो है टाइप सी डाटा केबल मिल जाएगा, ओके। उसके साथ तो और कुछ आपको नहीं मिलेगा, मगर मुझे जो लगता है इसके साथ साथ इंडिया में जब भी ये बॉक्स आएगा आपको जो है एक बैक प्रोटेक्टेड केस भी मिल सकता है, ओके। इसके बाद अगर मैं इस फोन का डिस्प्ले का बात करूं तो इस फोन में आपको जो है 16.5 इंच का आपको फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड ऑल्सो जो है इसका एस्पेक्ट जो रेशियो है ये है 19.5:9 रेशियो का, ओके। तो ये बहुत ही बढ़िया एक फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है आपको, एंड ऑल्सो इसमें जो है किसी भी टाइप का होल पंच या वी शेप कुछ किसी भी टाइप का आपको सेल के लिए आपको ब्लॉक नहीं मिलेगा, ओके। फुल डिस्प्ले आपको मिलेगा, तो आप समझ ही सकते हो पबजी गेम खेलने को कितना मजा आएगा, ओके। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं इस फोन का ऑडियो के बारे में, तो इस फोन में आपको जो है नीचे आपको जो है एक लाउड स्पीकर दिया जाता है, एंड इसका जो लाउडनेस है ये मोटोरोला की तरफ से जो है आर्टिफिशियल सेंसर के साथ इसको सेट किया गया है, तो जो आपको जो है डॉल्बी एटमॉस्फेयर का भी आपको एक्सपीरियंस दे देगा। अगर मैं इस फोन का बैटरी के बारे में बात करूं तो इस फोन में जो है आपको स्पेशली जो चार्ज करने के लिए एक जो टर्बो चार्जर दिया रहता है जो 15 वाट का है, इसमें आपको जो है एक घंटे के आसपास में एक बैटरी को फुल चार्ज कर देगा, एंड ऑल्सो इसका जो बैटरी है ना ये है आपका 5000 mAh का बैटरी, तो बहुत ही एक ह्यूज बैटरी है, और ये बैटरी आपको जो है लगभग 3 डेज तक बैटरी बैकअप दे देगा। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बैटरी होता है मोटोरोला में एंड ऑल्सो आसूस में, तो मोटोरोला का बैटरी बैकअप आप समझ ही सकते हो कितना बढ़िया होगा। इस फोन का अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो इस फोन में आपको जो है स्नैपड्रैगन का 730 का प्रोसेसर मिल जाएगा, एंड ऑल्सो जो है इसका जो एंड्रॉयड वर्सन रहेगा ना दोस्तों, इसका एंड्रॉयड वर्सन आपको 10 मिल जाएगा, एंड ऑल्सो जो है इसमें आपको जो है क्लियर जो गूगल का जो एप्लीकेशन रहता है वही आपको मिलेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो गूगल वन का आपको सपोर्ट इसमें मिल जाएगा, एंड ऑल्सो लेटेस्ट जो गूगल वन का एक फैसिलिटी आपको ये मिलेगा कि उसमें जो है लेटेस्ट जो मंथली सिक्योरिटी पैच अपडेट रहता है वो आपको जो है टाइम टू टाइम मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस फोन का जो कलर है ना, एक कलर आपको दो कलर वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। नंबर वन तो आपको जो है ट्विलाइट ब्लू मिलेगा, एंड ऑल्सो नंबर टू में आपको एक और एक कलर मिल जाएगा जो है मिड लाइट व्हाइट, ओके। एंड ऑल्सो अगर मैं इस फोन का कैमरा की बात करूं तो आपको जो है बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा मिल जाएगा, जिसमें आपको मेन कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का, एंड ऑल्सो जो बाकी जो तीन कैमरा होगा एक होगा आपको 8 मेगापिक्सल का जो आपको वाइड फोटो उठाने के लिए लगेगा, एंड ऑल्सो जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है वो है आपका मैक्रो वर्सन का पिक्चर उठाने के लिए, एंड जो 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा होगा वो आपका जो है डेप एंड ब्लार इफेक्ट के लिए वो लगेगा, एंड जो फ्रंट में जो कैमरा आपका रहेगा वो होगा आपका पॉपअप कैमरा, एंड बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इसका पॉपअप कैमरा का काम किया गया है, क्योंकि इसमें जो है आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा मिल जाएगा, एंड ऑल्सो इसका जो सेंसर वगैरह एंड ऑल्सो जो सेटिंग वगैरह रहेगा वो पिक्सल जैसा आपको एक्सपीरियंस देगा, ओके। तो आप समझ ही सकते हो बहुत बढ़िया क्वालिटी का। और अगर मैं इसका फोन का और कुछ इंटरनल कैमरा के सेटिंग की बात करूँ तो इसमें आपको स्लो मोशन फ्रंट एंड बैक एंड ऑल्सो टाइम लैप्स एंड और भी बहुत सारा ऑप्शन फीचर्स आपको मिल जाएगा कैमरा में, ओके। तो ओवरऑल इस फोन का फीचर्स आपको कैसा लगा जरूर बताओ। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो फोन है ना, ये फोन आपको बहुत ही जल्दी फ्लिपकार्ट के थ्रू में इंडिया में मिल जाएगा, और अगर मैं इस फोन का जो प्राइस रेट का अगर बात करूँ तो ये फोन आपको जो है लगभग 17,000 से जो है 25,000 के आसपास के अंदर मिलेगा। पहला जो वेरियंट आपको देखने को मिलेगा वह 6 GB एंड 128 GB के वेरियंट, एंड उसके बाद आपका जो है अपग्रेड हो भी सकता है, मगर पहले जो वेरिएंट आएगा वो 6 GB 128 GB का मिलेगा। एंड एक्स्ट्रा और एक बात है, इस फोन में एक चीज जो है मुझे थोड़ा सा दिक्कत जैसा लग रहा है, इसमें जो है आपको डुअल सिम
स्लॉट मिलेगा और एक स्लिम और एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। ओके तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत की बात है क्योंकि इंडिया में जो है हम लोगों को 3 स्लॉट का जो हाइब्रिड स्लॉट रहता है वही चाहिए था। तो अगर ये आता है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये रिलीज होने के बाद क्या क्या एक्स्ट्रा और नया फीचर्स इसमें ऐड होकर आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करके जाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करके बताओ इस फ़ोन का और कुछ नया कुछ देखना चाहते हो क्या, नहीं चाहते हो, आप कितने एक्साइटेड हो इस फ़ोन को खरीदने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं क्या इस फ़ोन को खरीद कर आप लोगों के लिए रिव्यू बनाऊँ नीचे वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।